अक्सर नी रिप्लेसमेंट को डिले करने से घुटने में होने वाली डिफॉर्मिटी बढ़ती चली जाती है। इस डिफॉर्मिटी के चलते पेशेंट्स का मूवमेंट कम होता चला जाता है, वह साथ में बोन के ऊपर लोड बढ़ता चला जाता है। अक्सर डिफॉर्मिटी ज्यादा होने के कारण पेशेंट्स को स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर जो कि हड्डी में कमजोर होता है तो हड्डी एक हिस्से पे क्रैक कर जाती है, जिसके कारण पेशेंट्स को अक्सर सडन पेन की शिकायत हो सकती है। साथ ही साथ चूंकि पेशेंट्स चल नहीं पाते हैं तो उनके वेट गेन की टेंडेंसी बढ़ती है, वह बोन्स भी कमजोर होती जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का लेवल बढ़ता जाता है। हमें यह भी समझना होगा कि जैसे एज प्रोग्रेस करती है किसी भी सर्जरी को झेल पाने की कैपेसिटी बॉडी के अंदर कम होती चली जाती है। तो एज रिलेटेड रिस्क जैसे कि कार्डियक रिस्क, ब्लड प्रेशर रिलेटेड रिस्क, डायबिटीज रिलेटेड रिस्क डिले करने से और बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। इसके साथ अगर पेशेंट्स नहीं चल पाते हैं या वॉकर या स्टिक के साथ मुश्किल से चल पाते हैं तो उनकी बॉडी की मसल वीकनेस भी आ जाती है, साथ में स्पाइन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जैसे कमर में दर्द आना, वह दर्द कमर से टांगों में नीचे उतर आना जिसे सियाटिका कहते हैं, यह भी अक्सर देखा जाता है। तो अगर आपको नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है जो आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है, वह डे टू डे एक्टिविटीज में आपको पेन की शिकायत रहती है, तो अपने को नी रिप्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करें। धन्यवाद।